हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है अनवर टीचिंग चैनल में। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने वीडियो देखा रहेगा, समझा रहेगा और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर किया रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को रीड करते हैं, देन हम लोग उसको सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बिगर ट्रायंगल का वैल्यू पूछा गया, बिगर ट्रायंगल के साइड का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। वापस एक बार बता रहा हूं मैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इफ अ एरिया ट्रायंगल एबीसी सेमीकॉलन रेस टू रेशियो एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, समझा आप लोग को, मतलब एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ का वैल्यू क्या दिया, 1/2, एंड एबी इज इक्वल टू 4 एंड एबी इज इक्वल टू 4, फाइंड डीई। मींस इसमें क्या करना है अपने को, फाइंड डीईएफ करना है। ठीक है, जब तक हम लोग ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को सिमिलर नहीं करते तब तक हमारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ को सिमिलर करना है। तो हम उसको सिमिलर करेंगे, फिर हमारा इजीएस्ट सॉल्व हो जाएगा और डीई का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इन फिगर 1.66 सेक पीक्यू पैरेलल सेक डीई, पीक्यू पैरेलल डीई की पीक्यू पैरेलल डीई है, एरिया ट्रायंगल पीक्यूएफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, पीक्यूएफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स दिया है, PF is equal to 2DP, PF is equal to 2DP, then find area triangle DPQE, then find the area triangle, area quadrilateral DPQE, देखिए आपको quadrilateral बना हुआ है DPQE, ठीक है, by completing the following activity, means आपको ये activity based questions है, ठीक है, समझा आप लोग को, तो वहाँ पर दिया है area triangle PQF is equal to 20 units, PF is equal to 2DP, let assume DP is equal to X, जहां आपको देखिए मैं पूरा रीड करने नहीं जाऊंगा, जहां आप लोगों को एक्टिविटी बेस दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, मींस आपको फिल करना है, और फिल आप कब करेंगे, जब आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तब। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, सीरियल वाइज एक एक करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड करस्पोंडिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। समझा आप लोग को, आपका क्वेश्चन था, मींस दो ट्रायंगल दिए गए हैं, मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को एबीसी अज्यूम किया, सेकंड ट्रायंगल को पीक्यू अज्यूम किया। उसने क्या बोला है, दो ट्रायंगल दिया गया है और इसमें से स्मॉलर ट्रायंगल जो है उसका साइड कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको बड़े वाले ट्रायंगल के साइड को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक हेल्प के लिए मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल का नाम ले लिया। तो लेट द फर्स्ट ट्रायंगल इज एबीसी एंड सेकंड ट्रायंगल इज पीक्यूआर। समझा आप लोगों को इतना। अब उसने बोला था कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल दिए तो दोनों का एरिया दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले का 225 है, सेकंड वाले का 81 है। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले का नाम क्या अज्यूम किया है, बड़े वाले का 225 और छोटे वाले का अज्यूम किया है 81। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 225, एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 81, और रीजन मैंने क्या दिया, गिवन दिया। समझा आप लोग को इतना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या लिखा है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, अब उसने क्या बोला है, स्मॉलर ट्रायंगल हमारा क्या है, पीक्यूआर छोटा दूसरा है ना, हम लोगों ने एज्यूम किया फर्स्ट वाले को बड़ा और सेकंड वाले का छोटा। ठीक है, तो मैंने स्मॉलर ट्रायंगल पीक्यू को मैंने पीक्यूआर लिया, तो उसमें पीक्यू को मैंने कितना वैल्यू लिया, 12 सेंटीमीटर।
क्योंकि यहाँ पर बोला गया है स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड उसका, समझा आप लोग यहाँ तक। आगे बढ़े तो आगे चलते हैं, तो देखिए आपको गिवन में दिया कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैंने देखिए लिख दिया एरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, समझा आप लोगों को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया सिमिलर ट्राइंगल। अब एरिया की बात की गई है तो मैंने क्या किया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब उसके मैंने साइड को ले लिया, अब उसमें हमको साइड इसका दिया गया है PQ को दिया गया ना, तो देखिए PQ फर्स्ट सेकंड है तो मेरे को भी वहां का फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा ना, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और इसका रीजन क्या होता है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझा आप लोग को इतना, कोई प्रॉब्लम। अब एरिया ट्रायंगल ABC का वैल्यू दिया 225, तो मैंने वहां पर 225 लिखा, एरिया ट्रायंगल PQ का दिया वैल्यू 81, तो मैंने 81 लिख दिया, 225 अपॉन 81, समझा आप लोग को कहां से आया, समझा ना आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं, तो AB स्क्वायर को कुछ दिया गया नहीं, मैंने उसको ऐसे ही रखा, और PQ का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया, तो इसलिए क्या हो गया 12 स्क्वायर हो गया, समझा आप लोग को कैसे हुआ है। अब नीचे की लाइन में आता हूँ, तो देखिए वहां पर 225 का 15 हो गया और 81 का 9 हो गया, कैसे कैसे ऐसे हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, हम लोगों ने दोनों साइड में क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, और देखिए ए साइड में आएंगे हम लोग राइट हैंड साइड में, तो ए बी स्क्वायर था तो वहां पर सिर्फ ए बी बचा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने लिया है, और 12 स्क्वायर तो 12 स्क्वायर रूट मैंने स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचा 12 बचा, और रीजन क्या आया, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, समझा आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 15 × 12 इज इक्वल टू ए बी इंटू 9, तो 15 × 12 कितना होता है 180 होता है, और ए बी इंटू 9 को मैंने वैसे रखा ए बी इंटू 9, तो 180, अभी देखिए यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में उधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू ए बी, तो हम लोग जब कट करेंगे तो 9 टू जा 18 जीरो बचेगा, मीन्स 20 बचेगा, 20 इज इक्वल टू ए बी, मीन्स ए बी का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, तो हमको क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल ना, तो यहाँ पर कितना निकला ए बी 20 ना, तो देयर द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, समझा आप लोग को ये कैसे सॉल्व हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आप लोगों का काम है इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए समझिए और प्रैक्टिस करिए जरूर, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ एरिया ट्रायंगल एबीसी इज रेस्ट टू एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2 एंड एबी इज इक्वल टू 4 फाइंड डीई, ठीक है, समझा आप लोग को। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात की गई एबीसी एंड डीईएफ की, और दोनों क्या है वो इक्विलैटरल है, समझा आप लोग को, इक्विलैटरल मतलब समझता है आप लोगों ने, सारे समान होता है उसका साइड, इक्विलैटरल के सारे क्या होते हैं समान होते हैं ना, इक्वल समान मीन्स इक्वल होते हैं ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स सारे साइड उसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, मीन्स ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है 180, मीन्स सारे एंगल क्या होगा उसका 60 60 60 हो गया, ठीक है, यहाँ पर एरिया ट्रायंगल एबीसी के एंगल का वैल्यू भी 60 है सबके, और ट्रायंगल डीईएफ के वैल्यू का भी 60 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी दिखाया मैंने, अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिखाया मैंने, क्यों दिखाया, देखिए ए दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल है, मींस एंगल ट्रायंगल एबीसी के भी और ट्रायंगल डीईएफ के भी, जो वैल्यू ट्रायंगल एबीसी का है और दो एंगल ट्रायंगल डीईएफ का है, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, क्योंकि क्यों सेम है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है इक्विलैटरल, ठीक है, तो मैं दिखा सकता हूं ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और रीजन क्या दिया मैंने मेजर 60, मींस उसका वैल्यू कितना दिया 60 दिया, इसलिए हमने उसको सेम दिखाया, समझा आप लोग को। अब मुझे बताइए दो हम लोगों ने ट्रायंगल लिया, अब ट्रायंगल में हमको दो एंगल मिला तो हमारा वो AA टेस्ट सिमिलर हो जाएगा ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ क्या मैंने क्या कर दिया उसको सिमिलर दिखा दिया, क्यों सिमिलर दिखाया AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या आया दोनों एंगल आया हुआ है, समझा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम सिमिलर क्यों हुआ क्योंकि दोनों एंगल थे, इसलिए मैंने क्या किया वहां पर सिमिलर दिखाया। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, तो सिमिलर दिखाने के बाद आपको पता है हम लोग क्या कर सकते हैं उसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, मैंने क्या किया फर्स्ट सेकंड लेटर को मैंने लिख दिया एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, क्योंकि हमको वहां पर उसकी जरूरत है, ठीक है, और रीजन क्या दिया मैंने थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समझा आप लोग को कैसे लिखा हम लोगों ने। अब आगे की तरफ आते हैं, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ का वैल्यू कितना दिया है 1:2 मतलब 1/2, तो देखिए हमने 1/2 लिख दिया, और एबी का वैल्यू कितना दिया है 4 मींस 4 स्क्वायर,
वहां पर ए बी स्क्वायर है ना, तो वहां पर 4 स्क्वायर हो जाएगा और डी का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डी का डी स्क्वायर हम लोगों ने लिखा, समझा आप लोग को? अब आप लोग ध्यान दिए होगा तो वहां पर 1 का 1 ही है और 2 का रूट 2 हो गया है, दिख रहा है आप लोग को? 2 का क्या हो गया है, रूट 2 हो गया है। तो हम लोग ने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और 2 का क्या होगा, रूट 2 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, वहां पर देखिए 4 का स्क्वायर वहां पर है ना, वहां पर देखिए तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 2 हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिर्फ डी बचेगा, समझा आप लोग को? कैसे आया 4 का 4 आया और डी स्क्वायर का डी कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया और रीजन क्या दिया, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, समझा आप लोग को ये स्टेप कैसे आया। अब हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू डी ए 4 इंटू रूट 2, तो 1 इंटू डी ए डी होगा और 4 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा, समझा आप लोग को? इधर डी का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइंड डी, तो हमने क्या किया, डी का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल इन फिगर 1.66 सेक पीक्यू पैरेलल डी सेक डी, एरिया ट्राइंगल पीक्यूएफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, PF is equal to 2 DP, then find area triangle D, area quadrilateral DPQE by completing following activity, ठीक है? आपको activity complete करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर area triangle PQF का value 20 units दिया है, means देखिए छोटा जो triangle बना है PQF, इसका कितना दिया है, 20 units दिया है, ठीक है? और क्या बोला है, PF is equal to 2 DP, ठीक है? PF कहाँ पर देखिए, PF is equal to 2 DP, let assume DP is equal to X, वहां पर लिखा गया है लेट द एज्यूम डीपी इज इक्वल टू एक्स एंड देयरफॉर पीएफ इज इक्वल टू 2x, ऐसा लिखा गया है। फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा है डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस डैश इज इक्वल टू डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 3x, इन ट्रायंगल एफडीई एंड एफ ट्रायंगल एफपीक्यू, नीचे वाली लाइन में फिर एंगल एफडीई कॉन्ग्रुएंट डैश करस्पॉन्डिंग एंगल रीजन दिया गया है, एंगल एफईडी कॉन्ग्रुएंट डैश करस्पॉन्डिंग एंगल, मींस जहां जहां हमको एक्टिविटी है ना हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए एक सिंपल से आपको बात बताता हूं मैं, इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बोला गया है कि क्वाड्रिलैटरल डीपीक्यूई का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए आपको छोटा ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए, एक तो हमको एफपीक्यू का वैल्यू दिया गया है, देख लीजिए पीक्यूएफ, पीक्यूएफ दिख रहा है ट्रायंगल पीक्यूएफ, इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रायंगल एफडीई का वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से सुनिए, FDE का वैल्यू निकालते हैं, उसमें से हम लोग FPQ को माइनस करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रायंगल FDE का वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो हम लोग को जब वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इसमें से माइनस करेंगे और हमारा क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आते हैं। एरिया ट्रायंगल PQFE इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स गिवन, रीजन है PF is equal to 2DP, given region है, let DP is equal to 8X, वहाँ पर क्वेश्चन में लिख के दिया गया था कि हम लोगों ने DP को क्या assume किया, X assume किया, और लिख के भी दिया गया PF is equal to 2DP, ये आपका सारा मैंने क्वेश्चन का लिख के दिया गया है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, PF is equal to 2DP, 2 into DP है ना, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में PF is equal to 2 into DP का वैल्यू कितना है, X, तो मैंने वहाँ पर 2X लिख दिया, देखिए आप लोग 2 into X कर दिया ना, क्योंकि DP का वैल्यू कितना दिया है, X, तो नेक्स्ट लाइन में मैं आया तो PF is equal to 2 into X का हो जाएगा 2X हो जाएगा, और मैंने वहां पर रीजन भी लिख के दिया, देखिए DP is equal to X हम लोगों ने अज्यूम किया, तो आपको समझा PF is equal to 2X कैसे आया, समझा ना आप लोग को। अब मुझे बताइए DF, जो DF दिया है, DF is equal to क्या है, DP plus PF है ना, देख लीजिए आप राइट हैंड साइड में DF is equal, डायग्राम में देखिए DF is equal to DP plus PF ना, तो DP देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है DP प्लस बॉक्स बना हुआ है, मींस वो एक्टिविटी बेस आपका, तो DP प्लस उस बॉक्स में क्या आएगा, PF आएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, PF लिख दिया। अब नीचे वाले लाइन में आया मैं, तो DF इज इक्वल टू DP का, देखिए दोनों बॉक्स दिया है आपको, दोनों फिल कर रहा है, तो DP का वैल्यू कितना है, देखिए X वहां पर दिया मैंने, और PF का वैल्यू कितना है 2x, देखिए हम लोगों ने PF का वैल्यू कितना लिखा है 2x लिखा, तो PF इज इक्वल टू 2x, समझा आपको x और 2x कहां से आया, DP का वैल्यू हमने x एज्यूम किया था और PF का वैल्यू हमने 2x फाइंड आउट किया, तो x plus 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, समझा आप लोगों को 3x कैसे आया हो, 3x कैसे आया आप लोगों को समझा क्या, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ, मैं दो ट्रायंगल लिया, एक तो FDE मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया,
ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ डी क्यू। मैंने दो ट्रायंगल लिया, एक बड़ा वाला और एक मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। अभी एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू डैश दिया गया था क्वेश्चन में, उसको हमको फील करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, एंगल एफ डी ई और रीजन भी दिया गया था आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल, सिर्फ आपको बॉक्स में फिल करना था। तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, लाइन के ऊपर का एंगल या फिर लाइन के नीचे का एंगल, ठीक है, हमारा इक्वल होता है। तो एफ डी ई दिख रहा है आप लोगों को, एफ डी ई इज इक्वल टू एफ पी क्यू हो सकता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल यही होता है, एफ डी ई इज इक्वल टू एफ पी क्यू। तो मैंने वहां पर क्या कर दिया, एंगल एफ पी क्यू फिल कर दिया, समझे आप लोग को। अब नेक्स्ट वाले लाइन में मैं आता हूं मैं, तो एंगल एफ ई डी दिख रहा है आपको, एफ ई डी देखिए, एफ ई डी देखिए नीचे की तरफ, एफ ई डी, अभी एफ ई डी में एफ क्यू पी भी लिख सकता हूँ ना, देखिए एंगल एफ क्यू पी लिख दिया मैंने, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मुझे बताइए, दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना रहे तो मुझे क्या जरूरत पड़ती है, दो एंगल की या फिर दो साइड एक एंगल की। यहाँ पर क्या मिला, दो एंगल मिला ना, तो मैं दिखा सकता हूँ ना, ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर ट्रायंगल एफ पी क्यू, मैंने दिखा दिया, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का रीजन आएगा। समझा आप लोग को कैसे हुआ है, समझा आप लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी हम लोग आगे की तरफ आते हैं, सिमिलर करने के बाद आपको पता है क्या करना होता है, तो एरिया ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू स्टार्टिंग के दो लेटर, देखिए बॉक्स, हमको बॉक्स फिल करना था, एफ डी देखिए, एफ डी मीन्स डी एफ, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एफ स्क्वायर। समझा आप लोग को कैसे आया, डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, और अभी सारे हमारे लिख के दिए गए थे, गिवन में दिए थे, तो डी एफ का वैल्यू कितना है 3x और पी एफ का वैल्यू कितना है 2x ना, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर होता है, और 2x स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर होता है। समझा आप लोग को, स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 9 अपॉन 4, ये 9 अपॉन 4 कैसे है आप लोगों को समझा क्या, बहुत इजी था ना। अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, तो एरिया ट्रायंगल FDE, देखिए एरिया ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 एरिया 9 अपॉन 4 एरिया ट्रायंगल FPQ, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। अब नीचे के लाइन में आते हैं हम लोग, तो 9 अपॉन 4 इनटू, अभी एरिया ट्रायंगल FPQ की जगह वहां पर देखिए बॉक्स बना के दे दिया है, मींस आपको फील करना है। तो हम लोग प्रीवियस जगह जाके देखेंगे, तो एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू का वैल्यू कितना था, हम 20 था, एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू का वैल्यू 20 हमारा गिवन में दिया गया है, एफ पी क्यू का वैल्यू कितना है 20, तो 9 अपॉन 4 इंटू 20, देखिए 4 5 जा 20 होता है, तो 9 इंटू 5 आएगा, तो 9 इंटू 5 कितना होगा 45 स्क्वायर यूनिट्स। समझा आप लोगों को 45 स्क्वायर यूनिट्स कैसे आया, समझा आप लोगों को 45 स्क्वायर यूनिट कैसे आया, तो मीन्स हमारा एरिया ट्रायंगल एफ डी ई का वैल्यू कितना आ गया 45, मीन्स जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, बिग ट्रायंगल, उसका कितना आ गया 45 स्क्वायर यूनिट्स। समझा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बोला था अगर हम लोग को बड़ा वैल्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया उसका आंसर, और छोटे वाले को हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम लोग उन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए मैंने वहां पर लिखा है एरिया क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, देखिए डी पी क्यू ई है ना, इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल एफ डी ई, बिगर ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू। दिखा आप लोग को जो मैंने बोला, देखिए वही हुआ ना, अभी हमको जितने भी तीन बॉक्स दिए हमको फिल करना है, ठीक है। तो एफ डी ई का वैल्यू कितना है 45, FDE का वैल्यू 45 एंड एरिया ट्रायंगल FPQ का वैल्यू कितना 20, तो 45 में 20 का तो कितना बचेगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। समझा आप लोग को, 25 स्क्वायर यूनिट्स मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू फाइंड आउट करना था उसका वैल्यू कितना आया 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझा आप लोग को। इस वीडियो में हम लोगों ने तीन क्वेश्चन टोटल देखे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों का काम है इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और सॉल्व करिए। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी तरीके का भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो सिमिलरिटी है फिनिश हुआ। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप लोगों का काम है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग का काम है इसको अच्छे से पढ़ना, समझना और सॉल्व करना। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग इस चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए, सॉल्व करिए, और अगर आपको पूरे यूनिट्स में कहीं भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ में आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अब तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स।